नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पंचायत में घूमने पर बहुत सा अनुभव होता है। ये वो अनुभव है जिससे गांव से लेकर के राज्य सरकार तक हिल जाती है। पंचायत में अगर जनता के साथ अन्याय होता है तो ये एक सटीक मौका है जब जनता खुलकर मुखिया के खिलाफ या प्रत्याशी के खिलाफ बोलती है। आखिर 5 वर्षों में किस व्यक्ति ने किसके साथ किस तरह का व्यवहार किया, कभी कोई गाली दी, कभी उसके साथ बैठकर चाय पिए, ये सारा जिक्र इसी चुनाव में हो जाता है। हम बता दें, अभी हम रामपुर डी में हैं। रामपुर डी पंचायत के मुखिया हैं ललन महतो, निर्वर्तमान मुखिया हैं और इस बार चुनाव मैदान में हैं। ये पहलवान के रूप में जाने जाते थे और कई बार कुश्ती भी प्रतियोगिता जीत चुके हैं, समाज सेवा कार्य से जुड़े हुए रहते हैं और इस बार वो चुनाव मैदान में हैं। ललन जी, मैं सबसे पहले मिथिला मंच न्यूज को, मैं अपने रामपुर डी पंचायत में आकर के जो यहाँ के जनता को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं, इसके लेकर के मैं मिथिला मंच न्यूज को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, जो आप खेल से ही संबंध रखते थे, तो मैं राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रहा और मैं कुश्ती में भी चैम्पियन रहा और लगातार 7 नेशनल खेले, ऑल बिहार यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहे और लगा मुझे कहीं ना कहीं हमारा जो गांव है जहां से हम बिलोंग करते हैं, वहां के जो गरीब दलित पिछड़ा शोषित जो वंचित परिवार है उनको कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, उनकी जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है, जिसके खिलाफ मैं पंचायत चुनाव लड़ने का मैंने 2016 में निर्णय लिया। और 2016 में जब मैं पंचायत चुनाव लड़ा तो यहाँ के जनता ने मुझे पर विश्वास करके मुझे मुखिया बनाने का काम किए और उसी विश्वास पर मैं 5 साल निस्वार्थ बिना किसी घूस, इंदिरा आवास हो, वृद्धजन पेंशन हो, कन्या विवाह योजना हो और पंचायत में जितने भी कार्य होते हैं, किसी कार्य के नाम पर मैं आज तक किसी भी आम पब्लिक से 5 रुपया नहीं लेने का काम किया। अच्छा, इस बार चुनाव में तो बहुत से प्रत्याशी हैं, कैसे कुश्ती में उनको हराएंगे, कैसे उनको जो है सो पटकी मारेंगे? आपके पास तो ट्रिक होगा पटकनी मारने का। ये जनता जान चुकी है और जनता जाग चुकी है। आज से पूर्व 5 साल जनता को क्या काम हुआ, क्या मान सम्मान मिला, हमारी माँ बहनों का मिलता था और आज क्या मिल रहा है वो जनता को खुले आँखों से देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ के असामाजिक तत्व जो है हमारे पंचायत के दलित पिछड़े गरीब शोषित को माने अपने कब्जा में रखते थे, उनको दबंगता पूर्वक हटाया करते थे, उनको मजदूरी नहीं मिलती थी और डर से उनके खेत खलिहान में जाना पड़ता था। आज मैं इस चीज़ से लोगों को मुक्ति दिलाने का काम कर रहा हूं और किया भी है। वैसे असामाजिक तत्व जो हमारे लोगों पर, कमज़ोर लोगों पर जो उन्होंने शासन करने का काम किया, उसको मैंने रोकने का काम किया है। बहुत ऐसे दलित बस्ती था जहां नाला नहीं थी, बहुत ऐसे गरीबों की घर था जहां सड़क नहीं था, वो दलदल कीचड़ में चला करते थे, वहां भी मैंने सड़क और नाला बना करके उस दलित बस्ती को मैंने चकाचौंध करने का काम किया। फुलवरिया हमारे पंचायत में एक 3 वार्ड का गाँव है जहाँ लोग सदियों से उपेक्षित थे, मुख्य सड़क में जो है सो लगभग ठेहुना भर कीचड़ और पानी लगा हुआ बारहों मास रहता था। बैसाख के तपती धूप के समय में भी वहाँ कीचड़ की समस्या रहती थी और जब मैं मुखिया बना, वो मुख्य सड़क से राम जानकी मंदिर जाने वाली सड़क को मैंने उसको जीर्णोद्धार करते हुए पक्की सड़क और नाला का व्यवस्था कराया। आज वहाँ का लोग चकाचौंध है। अच्छा, एक चीज़ और ललन जी बात करेंगे, मेन मुद्दा होता है कि ये पूरा बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ राहत में जो 6,000 रुपया आया, क्या वो सभी लोगों को मिल पाया? मैं इस बात से अवगत करा दूं, हम लोग 5 साल में 4 बार बाढ़ आया है और 4 बार में हम लोग 3 बार अपने पावर में और शासन में थे, तो 3 बार 100% परिवार को बाढ़ राहत दिलाने का काम किया। 2021 में हम लोग आचार संहिता में थे और यहाँ जब बाढ़ आई तो यहाँ के प्रशासन बाढ़ राहत पास नहीं कर रहे थे, हम सारे जनप्रतिनिधि मिल करके धारणा पर बैठे और धारणा पर बैठ करके यहाँ के लोगों को बाढ़ राहत जो है सो स्वीकृत करवाए, लेकिन प्रशासन का सत्ता है, प्रशासन का पावर है, अभी हम लोगों का पावर कहीं ना कहीं छिन चुकी है, जिसके कारण अभी 100% परिवार को बाढ़ राहत नहीं मिला है। लेकिन मैं अपने सारे जनता से अपील किया हूँ, आप लोग धैर्य रखें और
29 तारीख को चुनाव है, अपना अपना अमूल वोट देकर पुनः फिर मुखिया हमको बनाइए। और 2 तारीख के बाद मैं एक एक परिवार, जो वंचित परिवार है जिनको खाते में आज राहत की राशि नहीं गई है 6,000 रुपया, उसको दिलवाने का काम 100% करेंगे। अच्छा, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे पूरे पंचायत, हम केवल धीरामपुर की बात नहीं करेंगे, कई ऐसे पंचायत हैं जहां जल नल योजना को लेकर के लोग कहते हैं कि इसमें पूरा लूट है, वार्ड मेंबर सब कई बार लूट किए हैं और वो जो है नल का जल जो है वो घर तक नहीं पहुंचा, खाली वो बांध बांध के रख दिए हैं कई जगह। आपके पंचायत में क्या स्थिति है? नहीं, हमारे पंचायत में उस तरह का स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ वार्ड मेंबर ऐसे हैं जो अपने मनमानी तरीके से लूट खसोट का काम किए हैं, और वैसे प्रतिनिधि वार्ड मेंबर आज मुखिया के दावेदार बन रहे हैं। लेकिन आप रामपुर डी में देख सकते हैं लगभग परिवार में जल योजना चल रही है, कहीं टूट बाढ़ के कारण कुछ टूट फूट हो गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, तो हल्का फल्का एक आध महीना से कोनो कोनो जगह बंद है वो, और हम लोग पावर में है नहीं जिसके कारण उसको राशि निकासी करके उसको मरम्मत करावे। लेकिन रामपुर डी पंचायत में खास करके रामपुर डी काली इस समय जल नल योजना चल रही है। अच्छा, ये बताइए कि 5 साल आपने काम किया, अभी क्या आपके मन में है जो काम अधूरा है, जनता को ये विश्वास हो जाए कि हम इसी बात पर इनको वोट देंगे कि ये जो है सो आगे ये काम करे, तो आपकी प्राथमिकता क्या है इस बार? हमारा मुख्य प्राथमिकता है जो हमारे पंचायत में अभी जो हमने मिश्रक सरपट्टी को खाली करवाया है उसको मैं पंचायत सरकार भवन बना करके मिनी ब्लॉक, ताकि हमारे पंचायत के जनता को किसी छोटा मोटा काम के लिए ब्लॉक नहीं जाना पड़े और पंचायत में उसकी सारी काम को निपटारा हो जाए। साथ ही जो भी गली छूट चुके हैं, बहुत कम गली है जो मैंने 5 साल में सारे गली को काम किया है और कुछ रह गए हैं, उसके सारी की प्राथमिकता में ले चुके हैं, और जैसे ही हम लोग मुखिया बनेंगे दोबारा तो बचे हुए काम को अभिलंब उसको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का काम करेंगे। आपके पंचायत में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? कहा जाता है कि कई पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हमारे पंचायत में खास करके आपको मैं बता दूँ, मुखिया के ऊपर किसी प्रकार भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जबकि मुझे करोड़ों के गबन में यहाँ के कुछ प्रतिनिधि डाले थे और जिसकी निष्पक्षता से जांच हुई, मैं अपना प्रस्ताव माननीय डीएम साहब को दिया और जब जांच हुआ तो वैसे पदाधिकारी जिन्होंने मुझे आरोपित करने का काम किया था वह पदाधिकारी सस्पेंड होने का काम हुए, और हमें डीएम साहब के द्वारा मुझे एकदम नीट एंड क्लीन जो है सो माना गया। तो हम बता दें, ललन महतो हैं ये रामपुर डी के मुखिया, और हम बता दें आपको दिखाना चाहते हैं कि ये वो है जल नल योजना का जल मीनार है, देख सकते हैं यहाँ कितना भव्यता के साथ बना है, और इसको देखने ही से लग सकता है कि इस तरह की योजना में जो पैसे की लूट खसोट वार्ड मेंबर के द्वारा की जाती है, अगर इस तरह का बने सभी जगह तो जनता को विश्वास भी होगा, और वो वार्ड मेंबर जो एक वार्ड मेंबर को लाखों रुपया कमाते देख अब एक एक वार्ड में 10-10 प्रत्याशी वार्ड मेंबर के खड़े हो गए, इसका मतलब सभी ये चाहते हैं कि लूट खसोट का जो एक अड्डा बना है उसको और आगे चलाए। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि जनता 5 साल में आप बोलती है, हम कई पंचायतों में जब जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाए हैं तो देखे कितनी दर्द भरी आवाज़ है, कोई 5 साल में उसके सुनने नहीं जाता है, कोई उसे पूछने नहीं जाता है, फिर चुनाव के समय में ही आता है, ऐसे प्रत्याशी निश्चित तौर पर नुकसानदेह साबित होंगे और ऐसे प्रत्याशी को हटाया जा रहा है। देखिए बिहार मिथिला न्यूज़, हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।